तो कैसी है मेरी भोजन आर्मी में भोजन बॉय सुमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जानिए भोजन समाज की पूरी सोशल मीडिया अपडेट। तो गाइस सबसे पहले स्टोरी निकल कर आ रही है सुनील अस्ते जी को लेकर, जो कि मध्य प्रदेश के भीम आर्मी के प्रभारी है। उनको उज्जैन पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। उसका कारण ये था गाइस कि आपको जैसा कि पता होगा सुनील भाई क्या बोलते, कोई भी एट्रोसिटी होती है, कोई भी हिंसा होती है दलितों के ऊपर, तो सबसे पहले जाकर वहां पर अपना विरोध प्रकट करते हैं भीम आर्मी को साथ ले जाकर। तो बस यही बात थी और वहां पर पुलिस आई, वो विरोध कर रहे थे और सुनील भाई को वहां से पकड़ के ले गई, लेकिन शाम को सुनील भाई को छोड़ दिया गया। तो गाइस ये अपडेट थी उनकी तरफ से। अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है वो आ रही नेशनल दस्तक से। क्या आप लोग एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, मतलब एक वॉइस बना सकते हैं, एक वॉइस क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको नेशनल दस्तक में मिल सकता है काम। हाँ भाई, आपको अपने इस ईमेल आईडी पर, ये नेशनल दस्तक की ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इस पर जाके अपनी एक वॉइस रिकॉर्ड करके भेजनी है, अपना सीवी भेजना है, जिसके बाद नेशनल दस्तक की टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी और आप नेशनल दस्तक के साथ मिलकर काम कर सकते हैं उनके भोजन ऐप के लिए। जो भोजन स्टोरी ऐप है उसके लिए एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत है, तो बहुत अच्छा मौका है भाई, पकड़ लो इस मौके को। दोस्तों अगली स्टोरी निकल कर आ रही है, ये खबर पढ़ो। ये देश का एक ऐसा संगठन है जिसका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। इसका नाम है RSS, एक मनुवादी ब्राह्मणवादी संगठन। यानी कि दोस्तों इस संगठन के जो एक मुखिया है मोहन भागवत, उनका कहना है कि 5 अगस्त को जिस दिन प्रधानमंत्री जी राम जन्मभूमि का उद्घाटन करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, उस दिन सभी लोग अपने घर में दिए जलाए, मोमबत्ती जलाए और खुशियां बांटे। अब इसको कौन समझाए भाई कि देश में महामारी चल रही है, लोग मर रहे हैं और ये घर में दिए और मोमबत्ती जलाने के लिए बोल रहा है 5 अगस्त को। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट करिए यार। दोस्तों अगली स्टोरी निकल कर आ रही है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था टीना डाबी के बारे में, वो एक IAS टॉपर रह चुकी है 2016 में और भोजन समाज से आती है, दलित थे, लेकिन उन्होंने अपना जिला का नया ऑफिस में उद्घाटन किया जिसमें उन्होंने ब्राह्मणवादी रीति रिवाज को आगे बढ़ाया, हिंदूवादी रीति रिवाज से वहां पे उद्घाटन किया, मंत्र पढ़वाए, मंत्र जाप कराए। इसको लेकर नवीन कुमार जी क्या कहते हैं, उनका कहना है कि भोजन समाज की, दलित समाज की महिलाएं कभी टीना डाबी मत बनना, तुम बनना चाहती हो तो कुछ और बन जाना, लेकिन टीना डाबी कभी मत बनना। वीडियो देखो। और उसी हक से मैं ये कह रहा हूं कि टीना डाबी ने जो कहा है, जो किया है और जो वो नजर आती है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की दबी कुचली पिछली शोषित आदिवासी वंचित लड़कियों के लिए आदर्श नहीं हो सकती है। लड़कियों, अगर तुमको टीना डाबी की तरह होना है तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि तुम IAS जरूर हो जाना, लेकिन तुम टीना डाबी की तरह मत बनना। टीना डाबी की तरह होना खतरनाक है। फुल वीडियो देखना चाहते हो तो इसका कमेंट बॉक्स में लिंक है। नवीन कुमार जी का एक ही कहना है, सब कुछ हटा दो कि वो दलित है, ये है, वो है, सब कुछ हटा दो, लेकिन वो एक संविधान के बहुत बड़े पद पर बैठी हुई है, तब भी उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण आगे ले जाना चाहिए, वैज्ञानिक चीजें आगे ले जाना चाहिए, लेकिन वो एक ब्राह्मणवाद को, अंधविश्वास को आगे प्रमोट कर रही है। ये सबसे ज्यादा निंदनीय है और इसलिए उनका कहना है भोजन समाज की महिलाओं से कि कभी भी टीना डाबी को अपना आदर्श मत बनाना। आदर्श बनाना है आपको, सावित्रीबाई फुले को बनाओ, माता भीमाई को बनाओ, वीरंगना फुलन देवी को बनाओ, ये आपके आदर्श होने चाहिए। तो आप इस बारे में क्या बोलते हो नीचे कॉमेंट करो। दोस्तों अगली स्टोरी निकल कर आ रही है धाकड़ खबर को लेकर। अकरम रईस खान जी ने एक स्टोरी बताई है, उनका कहना है कि राजस्थान से एक मंत्री आते हैं जिनका नाम है, ये वो देश की सरकार में मंत्री है, राम जी मेघवाल, जो कि भाभी जी के पापड़ बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाभी जी के पापड़ मतलब उनकी ब्रांडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो आते हैं SC से, यानी कि अनुसूचित जाति से। भाई समझ में नहीं आता हमारे समाज के मंत्रियों को हो क्या गया है, ये लोग BJP में जाकर ऐसे काम करते हैं, अब पापड़ बेचना शुरू कर दिए हैं यार। ये वीडियो देखो अगा, लेकिन अब उनके एक मंत्री महोदय वो बड़ा कमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब पापड़ खाइए और कोरोना भगाइए, और पापड़ भी भाभी जी का पापड़, किसी भैया जी का पापड़ नहीं, भाभी जी का पापड़। मंत्री जी का नाम है रामजी मेघवाल, बीकानेर लोकसभा सीट से सांसद हैं, पिछली बार भी मंत्री थे, इस बार भी मंत्री हैं, मलाई खा रहे हैं। ये जितने भी 80 समाज से आने वाले लोग हैं ना, सब ब्राह्मणवादी हैं, और मैं साफ कहता हूँ ये जो ब्राह्मणवाद वर्ड है ना, ये किसी जाति के लिए नहीं है कि आप ब्राह्मणों पे टोक देंगे, ये हर एक पे लागू होता है। जो मुसलमानों के वोट पे जीत के जाते हैं वो वहाँ जाके ब्राह्मणवादी हो जाते हैं, जो SC के वोट पे जीत के जाते हैं वो वहाँ जाके ब्राह्मणवादी हो जाते हैं, उसी मानसिकता में ढल जाते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके समाज के साथ, इनके लोगों के साथ क्या हो रहा है।
पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका कमेंट बॉक्स में लिंक है। अकरम रईस खान जी का ये भी कहना है, ये आते तो थे दलित समाज से लेकिन ब्रांडिंग कर रहे हैं भाभी जी के पापड़ की, लेकिन इनको दलित समाज से कोई मतलब नहीं है। एक और मंत्री है हमारे रामदास आठवले जी, जो हमेशा मंत्री बन जाते हैं, उनको भाई संसद में चुटकुले कहानियां सुनाने से फुर्सत नहीं है, तो वो क्या देश के दलितों के ऊपर ध्यान देंगे? ये भाई दलित समाज से आने के बाद, मंत्री बनने के बाद, बड़े ओहदे पर जाने के बाद इन लोगों की हरकतें ऐसी हो जाती है। तो इसीलिए प्रकाश अंबेडकर जी भी कहते हैं कि दलितों का जो राजनीतिक आरक्षण है ना, वो समाप्त हो जाना चाहिए। तो भाई आप इन सांसदों के बारे में क्या बोलना चाहते हो, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन दे सकते हो। और इनका ये भी कहना है कि भाभी जी के पापड़ खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो कोरोना आपको नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप देखी होगी या फिर एक मूवी का नाम सुना होगा जिसका नाम है मिस्टर मिसअंडरस्टैंडिंग। ये इंडिया में रिलीज नहीं हुई है क्योंकि भाई ब्राह्मणों की बदनामी इंडिया में कैसे हो सकती है और ब्राह्मणों से रिलीज भी कैसे होने देंगे। ये रिलीज हुई है फॉरेन कंट्रीज में अमेजॉन प्राइम वीडियोज प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें ब्राह्मणवाद दिखाया गया है। एक इंडियन ब्राह्मण लड़का रहता है जो एक फॉरेन लड़की से शादी कर लेता है, दोनों के बीच में कुछ बातें होती है, वो बोलता है कि इंडिया में ब्राह्मण सुपीरियर होते हैं, सबसे बड़े होते हैं और जितने भी दलित शूद्र जितनी भी जातियां हैं हमसे नीचे है, हमारे गुलाम है, ऐसा वो लड़का उस वीडियो में कहता है। तो इस मूवी के ऊपर हमारे जो शंभू भाई है उनका क्या कहना है, क्या रिव्यू है, ये वीडियो देखो। इस देश के जो जातिवादी मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं वो विदेश में भी सूटकेस जाति में भर के ले जाते हैं और भारत में सभी समस्याओं का जो जड़ है वो जातिवाद है। ये बात समझना पड़ेगा और पूरी दुनिया में लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं और उसी व्यवस्था को और बनाया। संविधान ने कहा था कि हम सेकुलर होंगे, धर्म हमारा निजी मामला होगा, लेकिन इस फिल्म ने सब कुछ कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक जाके देख सकते हो। शंभू कुमार जी ने इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताई है और कहा है कि किस प्रकार से विदेशों में भी अब ब्राह्मणवाद की धज्जियां उड़ना शुरू हो गई है। इस वीडियो में यानी कि भाई ये जो मूवी है मिस्टर मिसअंडरस्टैंडिंग, इसमें एक डायलॉग है, लड़का सोते हुए बोलता है या सोचता है कि जो कॉलेज होता है ना उसमें पढ़ाने का काम ब्राह्मणों का है और जितना भी कामकाज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो काम करना क्षत्रियों का है और जितनी पैसों का लेन देन कैशियर मेशियर का जितना भी काम होता है बिजनेस, वो बनियों का है और दलितों का काम शूद्रों का काम वहां पर केवल चौकीदारी करना, संडास साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना है। इस लड़के की सोच ऐसी रहती है इस मूवी के अंदर। तो इस बारे में कुछ बोलिए यार, क्या आप भी इस टाइप की मूवीज इंडिया में भी देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते, नीचे कमेंट करो। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा बहुजन समाज में एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है भाई, एक्टिविस्ट वेद यानी कि वेद प्रकाश वर्सेस सन ऑफ मल्हार मुकेश साहनी को लेकर। इन दोनों के बीच में बहुत दिनों से एक लड़ाई चल रही है। तो अब एक्टिविस्ट वेद ने एक वीडियो बनाकर बहुत सी बातों का खुलासा किया है। तो ये बहुत बड़ी 21 मिनट की वीडियो थी जो मैं आपको शॉर्ट में पूरी समझाने वाला हूं। तो इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट था, एक्टिविस्ट वेद का कहना है कि सन ऑफ मल्हार का उन्हें खुद फोन आया था, यानी कि मुकेश साहनी उन्हें फोन करके बोलते हैं कि मैं गरीबों के और क्या बोलते मजदूरों के अकाउंट में पैसे डलवा रहा हूं, जिसका आप एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालिए। एक्टिविस्ट वेद ने वैसा ही किया, वो चैनल पे वीडियो अपलोड करा, लेकिन वीडियो के नीचे जो कमेंट आ रहे थे वो ऐसे आ रहे थे कि भाई एक्टिविस्ट वेद हमें मुकेश साहनी ने कोई भी पैसा नहीं दिया, हमसे बैंक अकाउंट ले लिया, हमसे नंबर ले लिया, हमसे व्हाट्सएप नंबर ले लिया, लेकिन एक रुपये हमारे बैंक अकाउंट में नहीं भेजा। तो एक्टिविस्ट वेद का कहना था सन ऑफ मल्हार यानी कि मुकेश साहनी और मेरे चैनल के व्यूअर्स के बीच में मुझे मेरे चैनल के व्यूअर्स को चुनना पड़ा, इसलिए फिर उन्होंने दूसरी बार से उसका वीडियो बनाना बंद कर दिया। मुकेश साहनी का फिर से फोन आया एक्टिविस्ट वेद को, लेकिन एक्टिविस्ट वेद ने वीडियो बनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा आप गरीबों को दे रहे हो दान तो अच्छी बात है, लेकिन वो वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ये खुद कहते हैं, वीडियो देखो। लेकिन हुआ क्या, उस खबर के नीचे बहुत सारे कमेंट आए कि मुकेश साहनी पैसा नहीं दे रहा है। मैंने अपना अकाउंट नंबर दिया मुकेश साहनी को, मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया मुकेश साहनी को, लेकिन एक भी रुपया मेरे खाते में नहीं आए। तो मैं मुकेश साहनी और हमारे YouTube के व्यूअर्स में किसी एक को चुनना होगा, तो मैं अपने YouTube के व्यूअर्स को चुनूंगा जिसने कहा कि मुकेश साहनी पैसा नहीं दे रहा। अब हमने मुकेश साहनी की इस तरह की खबरें चलानी बंद कर दी कि मुकेश साहनी पैसा बांट रहा। कुछ दिन बाद फिर मुकेश साहनी हमें बोलता है कि मैं पैसा बांट रहा हूं, खबर चलाइए मेरी। मैंने चलाया, फिर फोन कई बार उसने हमसे संपर्क किया कि मैं लोगों को पैसा बांट रहा हूं। हमने कहा कि आप पैसा बांट रहे हैं तो बांटिए, खबर क्यों चलानी है आपको। गाइस पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। ये कहानी यही है दोस्तों कि सन ऑफ मल्हार मुकेश साहनी पहले एक्टिविस्ट वेद को फोन करते हैं कि तू हमारे लिए एक वीडियो बना, हम लोग गरीबों को दान दे रहे हैं।
ये वीडियो बनती है, चैनल पर आती है, लेकिन उसमें जो कमेंट है वो नेगेटिव आते हैं कि मुकेश साहनी ने हमारी कोई मदद नहीं करी, ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। फिर दूसरी बार जब फोन आता है मुकेश साहनी का एक्टिविस्ट वेद को, तो एक्टिविस्ट वेद वीडियो बनाने से मना कर देते हैं। तो इसके बाद ही जो वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता है वो एक्टिविस्ट वेद को टारगेट करते हैं, मुकेश साहनी भी टारगेट करते हैं और उनके ऊपर मामला दर्ज करवाते हैं। मुकेश साहनी अपने कार्यकर्ताओं को बोल के, वो रिकॉर्डिंग भी एक्टिविस्ट वेद ने सुनाई है, अपने कार्यकर्ताओं को बोलकर क्या बोलते हैं, एक्टिविस्ट वेद के ऊपर मामला दर्ज कराते हैं। एक मामला दर्ज हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है एक्टिविस्ट वेद के ऊपर। अब एक्टिविस्ट वेद का कहना है कि वो भी ब्रिटेन में एक एफआईआर दर्ज कराएंगे और पूरी कानूनी प्रोसेस अपनाएंगे सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी के ऊपर। उन्होंने बहुत सारी खुलासा किया है इस वीडियो में, तो आप जाके वीडियो जरूर देखिएगा। और आप कमेंट करिए, आप लोग किसके साथ है, एक्टिविस्ट वेद के साथ है या मुकेश साहनी के साथ है, कौन आपको यहाँ पर सही लगता है, नीचे कमेंट करो। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है और भोजन समाज की सारी लेटेस्ट अपडेट, भोजन समाज की अपडेट, सोशल मीडिया की अपडेट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।